श्री कश्मीर विजय साहब, अलोक कुमार साहब, भीमसेन जोशी, कि जब जम्मू कश्मीर के हालात अब बिल्कुल मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हालात, बच्चे बच्चियां बिना किसी खौफ के अपनी पढ़ाई लिखाई अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, काम कारोबार बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं, बंद बंद सारी कल की बातें हो, और इन 41 टीमों में एजी ऑफिस जो लोग यात्रा के लिए आए उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कोई पहलगाम जा रहा है, कोई श्रीनगर आ रहा है, कोई गुलमर्ग घूम रहा है, कोई आगे पीछे सब जगह जा रहे हैं। 19वां एडिशन है इस टूर्नामेंट का, 18 एडिशन ऑलरेडी हम मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत ही ये हर किसी के त्योहार सांझे होते हैं, पीर और पैगंबरों को बांटा नहीं जा सकता, वो सबके लिए सांझे होते हैं, सबके लिए होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग हमारे शिया भाई जितने भी अपना इस मुहर्रम के दिनों में अपने जो जितनी भी इवेंट्स करेंगे उनको हर तरीके से सहयोग किया जाएगा और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक जो हम कर सकते हैं जरूर उनकी मदद करेंगे। आप सलाम का बहुत बहुत इस्तकबाल। शहीद साथियों के नाम करने जा रहे हैं जिन्होंने आज की इस इवेंट में जो हमारे सहयोगी साथी फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से वसीम असलम साहब, बशीर अहमद शाह साहब, नज़ीर अहमद अन्नाबी साहब, नज़ीर अहमद भट्ट साहब, बशीर अहमद मलिक साहब, शौकत मसूदी साहब, इसकी तरफ से जो फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसका आज 19वां चैप्टर है, 19th सीरीज में आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज की इस इवेंट में पहले से ज़्यादा तादाद में टीमें हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर का कोई भी वो जिला वो खिता नहीं बचा है जहां के बच्चे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ना पहुंचे हों। पूरे जम्मू के ज़िले, पूरे कश्मीर के ज़िले इसमें शिरकत कर रहे हैं और 46 टीम्स इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। खुशी की बात यह भी है कि इस बार पहली बार 4 वुमन प्लेयर्स की, फुटबॉल प्लेयर्स की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जहाँ बच्चे आज फुटबॉल खेलते थे उसमें आज लड़कियों की बच्चियों की शमूलियत होने जा रही है। ये कश्मीर के लिए और फुटबॉल की गेम के लिए एक नया शगुना, एक अच्छी पहल है और एक अच्छी बात है। मैं उन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं जो आज की इस टीम में हिस्सा ले रही हैं। ये काफ़ी दिनों के लिए इवेंट चलती रहेगी क्योंकि टीम्स काफ़ी बड़ी हैं और 31 के लगभग जाकर के ये टूर्नामेंट फाइनल स्टेज पर पहुँचेगा और मैं सभी खेलने वालों को, बच्चों को, बच्चियों को शाबाशी देता हूं, मुबारक देता हूं और साथ ये भी कहता हूं कि गेम है, गेम की तरह खेलना है, जीत और हार गेम में होती है मगर जीत और हार ही गेम की पहचान है। इसमें मुझे लगता है कि अच्छा आप उसमें टीम स्पिरिट के साथ खेलना ही सबसे बड़ी बात होती है। सिंह साहब, एक कल्चरल एक्सचेंज होता है जब बाहर की टीमें भी आती हैं और साथ साथ में एक स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बूस्ट मिलने का एक माध्यम बनता है इस तरह की एक्सपीरियंस। ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट आपको पता है कि इस साल हम लोगों ने होस्ट किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने होस्ट किया था और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो इवेंट इस लेवल पे होस्ट करी कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी होने वाली नेशनल इवेंट्स में से एक इवेंट वो थी। उसमें कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी स्टेट का पुलिस फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस की कोई टीम नहीं थी जो नहीं पहुंची और उसमें भी वुमेन खिलाड़ियों की टीम जहां पर पहुंची थी। उसके बाद ये सीरीज़ अपनी जो लोकल सीरीज़ जो फुटबॉल की वो शुरू हुई है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहा कि सब ज़िले, सब खित्ते इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें एक दूसरे के साथ आपसी समझ बूझ, प्यार मोहब्बत वो भी बनती है, वो भी बनती है और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कल्चरल एक्सचेंज भी एक खित्ते का दूसरे खित्ते के साथ होता है। हमारे छोटे छोटे रीजनल
जैसे रजौरी पुंछ का एक अलग अपना तरीकाकार है, वहाँ का बोलचाल, वहाँ का रहन सहन का थोड़ा फर्क रहता है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज देखें तो उसका थोड़ा सा अलग रहता है। सो हर जगह से क्योंकि बच्चे बच्चियाँ इसमें खेल रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कल्चरल एक्सचेंज का मौका भी होगा। डीजीपी साहब, हाल ही हमने देखा कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ऑपरेशंस अपने शिफ्ट किए हैं जम्मू डिवीजन की तरफ, क्या ये पार से ही मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो रहा है और जो ऑपरेशंस हैं, जो अटैक्स वगैरह हैं, वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि कुछ माइनॉरिटी टारगेट्स किए गए थे, लेबर्स को टारगेट किया था हालिया दिनों में। देखिए, इस तरह की जो साजिशें करतूतें पाकिस्तान की सरहद की तरफ से होती हैं वो टाइम टू टाइम इस तरह की नकलो हरकत करते रहते हैं कि कुछ एक जगह पे इस तरह का माहौल पैदा करें जहां अमन अच्छे से पुख्ता तरीके से इस वक्त कायम है, वहां पर भी अमन में खलल डाला जाए। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा खिता नहीं रहा था जहां पर उन्होंने अपने दांक नहीं जमाई थी, मगर आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम सब ने मिल करके दहशत को पछाड़ दिया है। दहशत पीछे रह गई है, अमन आगे चल रहा है, अमन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये खुशी है इस बात की कि आज अगर आप देखें तो दहशतगर्दी एक जिन्न की तरह कभी जहां शक्ल दिखाती कभी वहां शक्ल दिखाती है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, उसका क्लेम भी अभी ठोकने के लिए TRF आगे आया। हालांकि उस केस को तफ्तीश कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर हर चोरी के लिए चोर पहले से तैयार रहता है कि ये चोरी मैंने की है, मेरा नाम ले लो इसमें साथ में। और कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे तो अपना नाम लेने वाला आगे आए तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर बदनाम तरह का काम, घटिया तरह की हरकत करने के बाद अगर कोई कहे कि मेरा नाम ले लो जल्दी से, मैंने ये काम किया, तो मुझे लगता है शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। इस तरह की बातों से गुरेज करने की ज़रूरत है, ये कोई बड़ा नेक काम नहीं है। ड्रग्स का जिक्र आपने किया, ड्रग्स मैंने पहले भी कहा है, बच्चे भी पंजाब में जैसा हुआ उसी तरीके से बहुत सारे सालों तक इस वबा से निकल ना पाए, ये पाकिस्तान की साजिश है। हम सबको इसको समझना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि चंद रोज पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद एक मीटिंग की सदारत नेशनल लेवल पे कर रहे थे, सभी स्टेट्स ने उसमें हिस्सा लिया, सभी फोर्सेस ने जो ड्रग के खिलाफ काम करती हैं उन्होंने हिस्सा लिया। पिछले एक वो सबको जो सहयोग कर रहे हैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यात्रा अभी 3 लाख का मार्क क्रॉस करके उसके आगे चल रही है। जो लोग यात्रा के लिए आए उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई श्रीनगर आ रहा है, कोई गुलमर्ग घूम रहा है, कोई आगे पीछे सब जगह जा रहे हैं। लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि न सिर्फ जहाँ की यात्रा भोले अमरनाथ के दर्शन करने का मौका और वहाँ पर जा करके अपना नमस्कार करने का मौका उनको मिला, बल्कि कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटलिटी और कश्मीर की खूबसूरती को भी देखने का मौका मिला। मैं सभी लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने मुहर्रम की बात करी, उसके लिए अच्छे इंतजाम सब जगह पे किए गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जितने भी रिलीजियस कार्यक्रम हैं वो रिलीजियस भावना से हों, आपसी भाईचारे की नीयत के साथ हों, किसी भी तरह का किसी फिरका परस्ती की कोई बू उसमें से नहीं आनी चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक रिलीजियस सेक्ट की तरफ से या दूसरा, ये हर किसी के त्यौहार सांझे होते हैं। पीर और पैगंबरों को बांटा नहीं जा सकता, वो सबके लिए सांझे होते हैं, सबके लिए होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग हमारे शिया भाई जितने भी अपना इस मुहर्रम के दिनों में अपने जो जितनी भी इवेंट्स करेंगे उनको हर तरीके से सहयोग किया जाएगा और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक जो हम कर सकते हैं ज़रूर उनकी मदद करेंगे। इंतजामिया सब तरीके से हर तरीके से उनको अंगेज करके चल रही है और मुझे लगता है कि अमन के तरीके से